हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पास्ट 2 दिन या फिर 3 दिन से अगर देखें न्यूज़पेपर, कोई भी ले लीजिए आप, चाहे हिंदू हो या दूसरा कोई आर्टिकल हो, तो आपको RCEP एक ट्रेड डील के बारे में देखने को मिलेगा, राइट? क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म है। तो रिसेंटली 10 आसियान कंट्रीज के बीच और 5 FTA जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है आसियान के साथ, उनके बीच में ट्रेड डील साइन हुई है। तो आज हम उसी के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, राइट? और इंडिया का क्या स्टैंस रहा है इस डील को लेकर, और इंडिया ने क्यों पुल आउट कर लिया इस डील से, क्या क्या जो बेनिफिट्स है और क्या डिसएडवांटेज है, अच्छा सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं इसी तरह, तो हमारा वेबसाइट है www.proxygan.com, उसमें जाइए, चेकआउट कीजिए, आपको कई सारे इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मिलेंगे देखने को, राइट? जो एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स के लिए हो या फिर स्पोकन इंग्लिश हो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन डेली लाइफ, राइट? तो जल्दी से जाइए, चेक कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो रिसेंटली RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन हुई है, किन लोगों के बीच में साइन हुए हैं, 15 कंट्रीज यानी 10 आसियान कंट्रीज और 5 जो है FTA ट्रेडिंग पार्टनर्स है आसियान के साथ। कौन कौन है वो? चाइना हो गया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अच्छे से याद रख लीजिए दोस्तों, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट? अगर 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको और इसमें से पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ RCEP। ध्यान रखिएगा, USA इज नॉट द पार्ट ऑफ RCEP, रशिया इज नॉट द पार्ट ऑफ RCEP, चाइना है आपको, जापान है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, दिस आर द 5 कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ द RCEP। एंड रेस्ट वी हैव 10 आसियान कंट्रीज, जिसमें आपको थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज आपको आ जाएंगे। समझ में आ गया न्यूज़ आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन मकसद क्या है इस RCEP का? देखिए, हर चीज़ के पीछे गोल और एक एम रहता है, राइट? बिना किसी गोल और एम के तो जिंदगी ही बेकार है। तो इस RCEP का एम क्या है? सो इट मस्ट हैव द बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। आपस में जो जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो आसियान कंट्रीज ले लो या रेस्ट डिफरेंट कंट्रीज ले लो, जो भी 5 पार्टनर्स हैं, इनके आपस में इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। समझ रहे हैं आप? जिस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा रहेगा, ऑटोमेटिकली उसमें जॉब्स क्रिएट होंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वहाँ कंट्रीज का, आपस में ट्रेड बढ़ेगा, राइट? तो ट्रेड डिफिशिट रिड्यूस होगा दोनों कंट्रीज के बीच, तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा ऑटोमेटिक। दिस आर ऑल इंटरलिंक दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को अचीव करने के वास्ते ये RCEP को साइन किया गया है इन सारे कंट्रीज के बीच में। और क्या क्या कवर हुए हैं इसमें? एक तो गुड्स एंड सर्विसेज को कवर किए गए हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया कोई भी सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर या फिर उनके इंटरनल जो भी डिफेंस सेक्टर से उसमें हो, या टेक्निकल कोऑपरेशन हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपस में एक्सचेंज की जाएंगी, इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, राइट? अगर सपोज एग्जाम्पल थाईलैंड के पास कुछ मशीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, राइट, अगर वो चाहते हैं तो किसी कंट्री को जो आपस में जो RCEP के कंट्रीज हैं उसमें शेयर कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा आपस में, राइट, रेवेन्यू ग्रोथ होगी। सो दिस आर द मेन बेसिक एम ऑफ द RCEP, राइट? 2017 में बात करें तो इंडिया भी एक्चुअली 16 प्रोस्पेक्टिव सिग्नेटरीज थे इसके, विच अकाउंट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ, कितना था इनका कंबाइन, आपको 3.4 बिलियन पीपल। सो दिस RCEP इंक्लूडिंग इंडिया बता रहा हूँ मैं आपको, बट आगे नेगोशिएशन के बाद इंडिया पुल आउट हो गया है RCEP से, वो अलग बात है, बट 2017 में जब 16 सिग्नेटरीज होने वाले थे इसके, तो इनका जो टोटल पॉपुलेशन था ओल्ड में तो 3.4 बिलियन था। कैन यू इमेजिन, 3.4 बिलियन, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, राइट? और इनकी जो GDP अगर कैलकुलेट करें हम, तो आपको 21.4 ट्रिलियन आ रही थी, 21.4, इट्स ए ह्यूज पार्ट। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी डील है जो सबके बीच में साइन हो गई तो चलो भाई कर लेंगे, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डील। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, RCEP का जो नींव है, जो बेसिक फाउंडेशन है, वो कब रखा गया था? जब 21st आसियान समिट हुई थी 2012 में, उस वक्त ये RCEP के नेगोशिएशन को स्टार्ट किया गया था, राइट? इंडिया भी इसका पार्ट रहा था, इंडिया 9 साल तक आई थिंक जो है नेगोशिएशन करता रहा,
इन कंट्रियों से, इन कंट्री से, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को मिसमैच हो रहे थे, वरना इंडिया भी पार्ट हो जाता अभी आरसीपी का। हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे क्या क्या कौन से फैक्टर्स हैं जो मिसमैच हो गए थे, जो निगोशिएट कर नहीं पाए। तो ऑलमोस्ट 9 ईयर्स तक निगोशिएशन करता रहा इंडिया, नवंबर 2019 में जाकर, लास्ट ईयर इसी महीने में, नवंबर 2019 में, ठीक 1 साल हो गया है अभी, तो इंडिया ने पुल आउट कर लिया है इस डील से। ओके, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्लोबल पार्ट ऑफ 30% ग्लोबल इकोनॉमी, राइट, एंड पॉपुलेशन भी हमारी ऑलमोस्ट जो है 137 करोड़ है। सो इट इज़ नॉट अ बिग, इट इज़ नॉट अ स्मॉल फैक्टर दैट इंडिया पुल आउट कर रहा है, तो इनको भी नुकसान होगा, राइट। तो बस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद कर लीजिए, दिस नेगोशिएशन हैज़ बिन स्टार्टेड फ्रॉम 21st आसियान समिट जब हुई थी 2012 में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2012 में इसका फाउंडेशन किया गया था। तो चलिए देखते हैं और कुछ आगे, नेक्स्ट जो ट्रीटीज़ है साइन की गई हैं ईस्ट एशिया रीजन में। ये आसियान जो कंट्रीज़ है ना, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग स्लाइड में, 10 कंट्रीज़ मिलाकर ये आसियान है। ओके, इन्होंने दूसरे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी करे हुए हैं अपने 6 पार्टनर्स के साथ, एक तो चाइना हो गया, नेक्स्ट आपको रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ भी इनका एक अग्रीमेंट साइन है, जापान के साथ भी इनका अग्रीमेंट है, और इंडिया के साथ भी इनका अग्रीमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने आरसीपी को छोड़ दिया, इसका मतलब नहीं कि कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, बट इंडिया इज ऑल्सो हैज साइंड वन ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद आसियान, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑब्वियसली ये तो रहेंगे ही, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आरसीईपी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़े बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। इसके अलावा आसियान ने कितने सारे ट्रेड डील्स साइन की है, कितने सारे कंट्रीज के साथ, चाइना, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो चलिए, सो मेजर एफटीए इंडिया हैज साइन, तो मैं आपको रीजंस बताने वाला हूँ कि इंडिया ने क्यों इस आरसीपी को छोड़ दिया, क्या वो फैक्टर्स थे, क्या वो ऑब्जेक्शंस था जो इंडिया ने रेस किया था, इसके वजह से इंडिया पुल आउट कर लिया। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, राइट। इंडिया किसके साथ एफटीए साइन किया है, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि आसियान जो 10 कंट्रीज है उन्होंने 6 पार्टनर्स के साथ ट्रेड, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, बट इंडिया की बात करें सिर्फ कंट्री की, तो हमारा इंडिया भी एक कई सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जैसे कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया, साफ्टा बोला जाता है इसे, राइट। उसके साथ आपको इंडिया आसियान कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिका के भी नाम से बोला जाता है इसे, और सेपा भी है, दैट इज इंडिया कोरिया कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये भी न्यूज़ में था हाल ही में, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया जापान ऑलरेडी साइन किए हुए हैं, कई सारे फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज इनके बीच में एक्सचेंज हुए हैं, कई सारे टेक्नोलॉजीज भी इस अग्रीमेंट के तहत एक्सचेंज हुआ है इंडिया और जापान के बीच में, राइट। तो अब चलिए देखते हैं रीजंस क्या थे, जो ऑब्जेक्शंस क्या थे, जो इंडिया ने विड्रॉ कर दिया आरसीईपी से, नेगोशिएट कर नहीं पाया इन वेरियस कंट्रीज से, राइट, रीजंस फॉर इंडियाज विड्रॉल। तो पहला क्या था, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो दो क्या हो गया, हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था ना, ट्रेड डिफिसिट ज़्यादा था, बिकॉज इंडिया इज एक्सपोर्टिंग लेस इम्पोर्टिंग मोर, बेसिकली हमारा एक इम्पोर्ट जो है ज़्यादा हो गया था, इसके वजह से हमारे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थे उनके पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, तो उसके वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वी वी एक्चुअली आगे हम देखेंगे डबल हो गया था हमारा ट्रेड डिफिशिट आसियान कंट्रीज के साथ। और नेक्स्ट है चाइनीज एंगल, ऑब्वियसली हमेशा कहीं ना कहीं तो चाइना रहेगा ही हमारे साथ, हम लोग को छोड़ेगा नहीं वो। अगर आरसीपी अगर हम साइन कर लेते तो आरसीपी के तहत एक जो पॉइंट है कि हम लोग सारे टैरिफ्स को जो है जीरो कर देंगे, देर इज नो टैरिफ्स और मिनिमल टैरिफ्स, तो इसका फायदा चाइना उठा सकता है, क्योंकि सारे जो उसके प्रोडक्ट्स है इंडिया में डंप कर सकता है वो, राइट। इट विल हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, डोमेस्टिक कैसा ग्रोथ होगा। नेक्स्ट हो गया आपको ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म हो गया। देखिए दोस्तों, मैं इसको सिंपल शब्दों में बताता हूँ, देखिए अगर सपोज इंडिया ने आरसीपी के साथ डील साइन कर ली, ओके, तो कल के रोज क्या हुआ, सपोज थाईलैंड ले लीजिए या फिर चाइना ही ले लीजिए, तो ज़्यादा इम्पोर्ट स्टार्ट कर दिया हमारे इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया, तो ऑब्वियसली हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म का मतलब ये है, जब कभी भी कोई भी कंट्री अपना जो इम्पोर्ट ज़्यादा करती है तो ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन रहता है कि हम अपने टैरिफ्स को इंक्रीज कर देंगे, राइट। उससे क्या है, बैलेंस बना रहेगा, ये चाहती थी इंडिया एक्चुअली आरसीपी के साथ, बट मेनी ऑफ दी जो आरसीपी कंट्रीज इसके खिलाफ थे, राइट। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, डाटा लोकलाइजेशन। ओके, इंडिया चाहता था कि अपने कंट्री के जो जो मेंबर्स हैं उनके डाटा
प्रोटेक्ट किया जाए और जो भी डाटा जो है इवॉल्व होगा वो इंडिया में ही स्टोर किया जाए। इसके खिलाफ भी आरसीपी कंट्रीज थी। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे अभी प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ओके, अगर एलिमिनेट कर देंगे हम सारे टैरिफ्स को तो बाहर जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इंडिया को यहाँ के जो लोकल फार्मर्स है, जो एग्रीकल्चर है, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो इस सारे एंगल्स हैं जो इंडिया ने ऑब्जेक्शन भी राइज किया था, राइट, ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म रखा जाए और डाटा लोकलाइजेशन किया जाए ताकि जो भी हमारे फेवरेबल में रहे, कल के रोज़ चाइना अगर डंप कर दे प्रोडक्ट्स तो हम उसको टैकल कर सकें। बट दे आर अपोज्ड बाई दी मेनी अदर आरसीपी कंट्रीज, इसकी वजह से जो है इंडिया विड्रॉ कर लिया है। तो हम अब क्या करते हैं, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असेसमेंट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका मेंशन किया गया था दोस्तों, राइट, 2015-16 में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसमें इसका मेंशन किया गया था, राइट। तो क्या किस तरह था हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान कंट्रीज ले लीजिए, या फिर अपार्ट डिफरेंट कंट्रीज है जो भी, जापान ले लीजिए, साउथ कोरिया, जितने भी है। तो जब भी हमें एक बायलेटरल ट्रेड या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था तो हमारा ऑब्वियसली वी हैव इंक्रीज अवर ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, ओके। एंड आसियान की ही बात ले लीजिए, 50% ट्रेड जो है इंक्रीज हो गया था पिछले 4 साल में, 2010 से 2014, जो विद इन 4 ईयर्स में 50% ट्रेड हैज़ बिन इंक्रीज विद द साइनिंग ऑफ एफटीए। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था ना, इंडिया इज ऑल्सो साइन ए एफटीए विद आसियान, राइट। तो साइन 2010 में उसको साइन किया गया था, विद इन 4 ईयर्स वी हैव डबल और वी हैव इंक्रीज बाय 50%। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड भी हुआ, कई सारे प्रोडक्ट्स जो है डाइवर्सिफाई हुए और ट्रेडिंग रिलेशंस में भी एक्सपेंशन हुआ था इंडिया में, राइट। बट इसके ये सारे जो एडवांटेजेस है, बट हाउएवर वी हैव टू सी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, राइट, दोनों पहलू को जानना जरूरी है कॉइन्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके वजह से डिसएडवेंट क्या हुआ। एक तो पहले ट्रेड तो इंक्रीज हुआ बट वी हैव इम्पोर्टेड मोर रादर देन एक्सपोर्टिंग। अगर ट्रेड डिफिशिट की बात ले ले तो हमारा और आसियान के बीच में $10 बिलियन का ट्रेड डिफिशिट है। हाउ मच, इट विल बी $10 बिलियन, इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट। सो अगर आरसीईपी भी साइन करते हैं तो अभी ज़्यादा ट्रेड डिफिशिट हो जाता, राइट। वी हैव ए ट्रेड डिफिशिट विद जापान ऑल्सो, ओके। अगर आप देख रहे हैं ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट जो है डबल हो गया था फिस्कल ईयर, आप 2011 से लेकर 2017 का अगर डाटा देखें, इट्स डबल कोरिया और जापान के साथ, राइट। और क्वालिटी ऑफ ट्रेड भी डिटोरेट हो गया था, राइट, बिकॉज वॉट एवर द प्रोडक्ट्स दे आर इम्पोर्टिंग दे आर जस्ट लाइक डंपिंग इन द इंडिया, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनका बिजनेस ज़्यादा होगा तो जिस तरह प्रोडक्ट बनता है उस तरह डंप कर देते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं था, राइट। और एफटीए यूटिलाइजेशन भी वेरी लो है दोस्तों। इसका मतलब नहीं कि एफटीए साइन कर लिए तो चलो अभी दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होगा और दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखें जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया है, एफटीए जो यूटिलाइजेशन होता है अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो डाटा है वो 5% to 25% ही रहता है दोनों कंट्रीज के बीच। इसका मतलब ये नहीं कि 100% आपको सारे टैरिफ्स निकाल देंगे, 100% आपको गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होगा, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आपका जो आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको सारे डिटेल्स बता दिए क्योंकि हाल ही में 2-3 दिन से न्यूज़ में था तो मैंने सोचा कि आपके लिए लाया जाए टॉपिक को, राइट। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपने आरसीपी क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कितने सारे जो है पार्टनर्स है आरसीपी के, चाइना हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, राइट, दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ आरसीपी। एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, एसएससी, बैंकिंग, जो भी हो, राइट। तो चलिए मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।